अगर आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है पैसों के लिए, सरकार आपको लोन दे रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आपको 10 लाख रुपए तक का लोन सरकार देगी और आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये लोन आपको कैसे मिलेगा, कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। और मेरा नाम है अमनदीप। तो आप इस योजना के लिए कैसे अप्लाई करते हैं उसका जो पूरा प्रोसेस है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है वो पहले जान लीजिए। आपका भारत का नागरिक होना ज़रूरी है, इसके अलावा आपका सिविल अच्छा होना चाहिए, यानी कि बैंक डिफॉल्ट आप नहीं हैं तो आप इसके लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही 2015 में इस योजना की शुरुआत की गई थी और तब से अभी तक लाखों लोग इसका लाभ ले चुके हैं। सरकार ने इस योजना को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है शिशु लोन, दूसरा है किशोर लोन और तीसरा है तरुण लोन। अगर आप शिशु लोन के तहत लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 50,000 रुपये तक का लोन मिलेगा। इसके लिए आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रोसेस फीस देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अलग अलग जो बैंक है वो इसके लिए चार्ज करती हैं, तो उसके लिए आपको अपनी बैंक से कॉन्टैक्ट करना होगा कि उस पर कितना चार्ज लगता है। लेकिन अगर आप किशोर लोन या फिर तरुण लोन के तहत अप्लाई करते हैं तो आपको 9% से लेकर 12% तक इंटरेस्ट देना होगा, यानी कि इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा कम है। और इसके अलावा आपको अप्लाई कैसे करना है वो आगे बताएंगे। और आपकी जो उम्र है वो 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप 18 साल से ज़्यादा हैं, भारत के नागरिक हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स के भी आपको ज़रूरत होने वाली है, वो क्या डॉक्यूमेंट है वो भी जान लीजिए। तो आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ आपको ज़रूरी होंगे। इसके अलावा आपका बिज़नेस प्लान क्या है, क्या आइडिया है, क्या आप बिज़नेस करना चाहते हैं उसकी जानकारी भी आपको देनी होगी। इसके अलावा KYC डॉक्यूमेंट और साथ ही इनकम प्रूफ भी आपको देना होगा। इसके लिए एक वेबसाइट भी है सरकार की, mudra.in करके, वहाँ पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं और जो सारी जानकारी है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। देखिए, अब आपके मन में सवाल होगा कि किस तरह के बिज़नेस हैं जिसके लिए आप ये लोन ले सकते हैं। तो छोटे दुकानदार, फल फूड प्रोसेसिंग यूनिट जैसे जो छोटे बिज़नेस है उसके लिए आप ये लोन आसानी से ले सकते हैं। और इसके बाद में साल 2024 का जब बजट पेश किया गया, सरकार ने अपना जब पहला बजट पेश किया, तो उसमें सरकार ने ये लोन की जो राशि है वो और ज़्यादा बढ़ा दी, यानी कि सीधे सीधे डबल कर दी है। अगर आप तरुण लोन के तहत लोन के लिए अप्लाई करते हैं, यानी कि तीसरी कैटेगरी, अगर आप 10 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं और 10 लाख का जो लोन है वो आप वापस कर देते हैं, तो उसके लिए आप उसके बाद में आप 20 लाख रुपए तक का लोन भी ले सकते हैं, 20 लाख रुपए तक के लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये लोन आपको कैसे मिलेगा, कैसे आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, तो वो प्रोसेस भी जान लेते हैं। अगर आप चाहें तो लोन के लिए अप्लाई आप बैंक से भी कॉन्टैक्ट करके कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन करना तो अब इसकी जो सुविधा है वो ऑनलाइन भी उपलब्ध है। तो कैसे आपको अप्लाई करना है उसके लिए जान लीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको क्रोम या गूगल पर आना है और वहाँ पर आपको टाइप करना है udyamimitra.in। इसकी स्पेलिंग जो है, इसकी जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के नीचे भी मिल जाएगी। और जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद में जो गवर्नमेंट की वेबसाइट का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा और उसको जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा मुद्रा लोन्स का। यहाँ पर लिखा है अप्लाई नाउ और यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास में दोबारा से पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है। यहाँ मैं अपना नाम लिख देती हूँ और उसके बाद में आपको अपना ईमेल आईडी, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो फिल कर सकते हैं। और इसके बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, यहाँ पे आप एंटर करेंगे और यहाँ पर मैंने अपना फ़ोन नंबर फिल कर दिया है। उसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन पर एक OTP रिसीव होगा और OTP मेरे पास आ गया है, तो यहाँ पर आपको OTP लिखना है और वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। जब आप इतना प्रोसेस कर लेंगे तो उसके बाद में ये पूरा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पहले बताए थे वो डॉक्यूमेंट्स की आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी, जेंडर और आपके क्या प्लान है, किस स्टेट से आप यहाँ पर
अप्लाई कर रहे हैं, आपको अपना स्टेट लिखना होगा, डिस्ट्रिक्ट लिखना होगा, सिटी टाउन लिखना होगा। इसके अलावा आपको अपना पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर जो मैंडेटरी है, इसके अलावा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहाँ तक है, आपका जॉब का एक्सपीरियंस क्या है, वो भी आपको यहाँ पर बताना होगा। यहाँ पर जब आप अपनी पर्सनल पूरी डिटेल मेंशन कर देंगे तो उसके अलावा आपको यहाँ पर आपका जॉब का एक्सपीरियंस कितना है और आप कौन से लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि तीन कैटेगरी है जिसके लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जब ये पूरी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर देंगे उसके बाद में आपके पास में सबमिट का ऑप्शन आएगा, आपको सबमिट पर ऑप्शन करना है और आपको आसानी से 10 लाख रुपये तक का लोन मिल जाएगा। और जब आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी का लोन लेना चाहते हैं। और 10 लाख रुपए जब आप वापस कर देंगे गवर्नमेंट को तो फिर आप 20 लाख रुपए के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आसान सी प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिना पैसे के भी सरकार आपकी मदद करने वाली है और बिना पैसे के भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पैसों के लिए सरकार आपको लोन दे रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आपको 10 लाख रुपए तक का लोन सरकार देगी और आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये लोन आपको कैसे मिलेगा, कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ और मेरा नाम है अमनदीप। तो आप इस योजना के लिए कैसे अप्लाई करते हैं उसका जो पूरा प्रोसेस है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है वो पहले जान लीजिए। आपका भारत का नागरिक होना ज़रूरी है, इसके अलावा आपका सिविल अच्छा होना चाहिए, यानी कि बैंक डिफॉल्ट आप नहीं हैं तो आप इसके लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही 2015 में इस योजना की शुरुआत की गई थी और तब से अभी तक लाखों लोग इसका लाभ ले चुके हैं। सरकार ने इस योजना को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, पहला है शिशु लोन, दूसरा है किशोर लोन और तीसरा है तरुण लोन। अगर आप शिशु लोन के तहत लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 50,000 रुपये तक का लोन मिलेगा। इसके लिए आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रोसेस फीस देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अलग अलग जो बैंक है वो इसके लिए चार्ज करती हैं, तो उसके लिए आपको अपनी बैंक से कॉन्टैक्ट करना होगा कि उस पर कितना चार्ज लगता है। लेकिन अगर आप किशोर लोन या फिर तरुण लोन के तहत अप्लाई करते हैं तो आपको 9% से लेकर 12% तक इंटरेस्ट देना होगा, यानी कि इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा कम है। और इसके अलावा आपको अप्लाई कैसे करना है वो आगे बताएंगे। और आपकी जो उम्र है वो 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप 18 साल से ज़्यादा हैं, भारत के नागरिक हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स के भी आपको ज़रूरत होने वाली है, वो क्या डॉक्यूमेंट है वो भी जान लीजिए। तो आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ आपको ज़रूरी होंगी। इसके अलावा आपका बिजनेस प्लान क्या है, क्या आइडिया है, क्या आप बिज़नेस करना चाहते हैं उसकी जानकारी भी आपको देनी होगी। इसके अलावा KYC डॉक्यूमेंट और साथ ही इनकम प्रूफ भी आपको देना होगा। इसके लिए एक वेबसाइट भी है सरकार की, mudra.in करके, वहाँ पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं और जो सारी जानकारी है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। देखिए, अब आपके मन में सवाल होगा कि किस तरह के बिज़नेस हैं जिसके लिए आप ये लोन ले सकते हैं। तो छोटे दुकानदार, फल फूड प्रोसेसिंग यूनिट जैसे जो छोटे बिज़नेस है उसके लिए आप ये लोन आसानी से ले सकते हैं। और इसके बाद में साल 2024 का जब बजट पेश किया गया, सरकार ने अपना जब पहला बजट पेश किया तो उसमें सरकार ने ये लोन की जो राशि है वो और ज़्यादा बढ़ा दी, यानी कि सीधे सीधे डबल कर दी है। अगर आप तरुण लोन के तहत लोन के लिए अप्लाई करते हैं, यानी कि तीसरी कैटेगरी, अगर आप 10 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं और 10 लाख का जो लोन है वो आप वापस कर देते हैं तो उसके लिए आप उसके बाद में आप 20 लाख रुपए तक का लोन भी ले सकते हैं, 20 लाख रुपए तक के लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये लोन आपको कैसे मिलेगा, कैसे आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो वो प्रोसेस भी जान लेते हैं। अगर आप चाहें तो लोन के लिए अप्लाई आप बैंक से भी कॉन्टैक्ट करके कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन करना तो अब इसकी जो सुविधा है वो ऑनलाइन भी उपलब्ध है। तो कैसे आपको अप्लाई करना है उसके लिए जान लीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको क्रोम या गूगल पर आना है और वहाँ पर आपको टाइप करना है udyamimitra.in। इसकी स्पेलिंग जो है, इसकी जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के नीचे भी मिल जाएगी। और जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद में जो गवर्नमेंट की वेबसाइट का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा और उसको जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा
मुद्रा लोन्स का। यहाँ पर लिखा है अप्लाई नाउ और यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास में दोबारा से पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है। यहाँ मैं अपना नाम लिख देती हूँ और उसके बाद में आपको अपना ईमेल आईडी, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो फिल कर सकते हैं। और इसके बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, यहाँ पे आप एंटर करेंगे। और यहाँ पर मैंने अपना फ़ोन नंबर फिल कर दिया है। उसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन पर एक ओटीपी रिसीव होगा और ओटीपी मेरे पास आ गया है। तो यहाँ पर आपको ओटीपी लिखना है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। जब आप इतना प्रोसेस कर लेंगे तो उसके बाद में ये पूरा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पहले बताए थे, वो डॉक्यूमेंट्स की आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी, जेंडर और आपके क्या प्लान है, किस स्टेट से आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, आपको अपना स्टेट लिखना होगा, डिस्ट्रिक्ट लिखना होगा, सिटी टाउन लिखना होगा। इसके अलावा आपको अपना पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर जो मैंडेटरी है, इसके अलावा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहाँ तक है, आपका जॉब का एक्सपीरियंस क्या है, वो भी आपको यहाँ पर बताना होगा। यहाँ पर जब आप अपनी पर्सनल पूरी डिटेल मेंशन कर देंगे तो उसके अलावा आपको यहाँ पर आपका जॉब का एक्सपीरियंस कितना है और आप कौन से लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि तीन कैटेगरी है जिसके लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जब ये पूरी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर देंगे उसके बाद में आपके पास में सबमिट का ऑप्शन आएगा, आपको सबमिट पर ऑप्शन करना है और आपको आसानी से 10 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। और जब आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी का लोन लेना चाहते हैं। और 10 लाख रुपए जब आप वापस कर देंगे गवर्नमेंट को तो फिर आप 20 लाख रुपए के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आसान सी प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिना पैसे के भी सरकार आपकी मदद करने वाली है, और बिना पैसे के भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं।